कंट्रैक्शन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे आप कभी भी लिखते हो तो डू नॉट को लिख देते हो डोंट, डोंट लिख देते हो ऐसे। डज नॉट को, डज नॉट को आप लिख देते हो डजंट, डजंट। डिड नॉट को लिख देते हो डिडंट, डिडंट। लेकिन एम नॉट को जैसे ही एमंट आप लिखोगे वैसे ये हो जाएगा गलत, क्योंकि एम नॉट को एमंट नहीं बल्कि आरंट बोला जाता है, आरंट बोला जाता है। ए एमंट, ए थोड़ा गलत हो गया है, एमंट। एम नॉट को एम नॉट नहीं बोला जाता बल्कि आर नॉट बोला जाता है, आरंट बोला जाता है। उसी तरह से आई के साथ आप एम लगाते हो, कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो आईम हो जाएगा, आईम। ही के साथ इज लगाते हो तो हीज, हीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ही के साथ हैज लगाते हो तो भी हीज ही होगा। तो फिर कैसे जानेंगे हम ही के साथ हैज लगा हुआ है ये, कि ही के साथ इज लगा हुआ है। आज हम लोग पूरा सीखेंगे कि ये कंट्रैक्शन क्या होता है। दरअसल कंट्रैक्शन दो तरह का होता है, एक होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट। ये दो तरह का होता है। जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है या अदर भी आ सकते हैं। कुल मिला जुला करके यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब में कंट्रक्शन होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट में कंट्रक्शन होता है। अब कंट्रक्शन क्या है? दरअसल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है संक्षिप्त करना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, ये वर्ब है। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना। और इसी तरह का आप एक देखेंगे एब्रेविएशन, जो एब्रेविएशन होता है, एब्रेविएशन, एब्रेविएशन, एब्रेविएशन जो होता है, ये संक्षिप्त नाम जो होते हैं उनको हम एब्रेविएशन कहते हैं। तो ये संक्षिप्त, ये नाउन का काम करता है, और कॉन्ट्रैक्ट ये संक्षिप्त करना वर्ब है, और इसी से बना है कंट्रक्शन जो नाउन है। जो एब्रेविएशन फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, जैसे MBBS, जैसे मान लो कोई लिखना है MBBS, इसको एब्रेविएशन फॉर्म कहते हैं। लेकिन ये जो नाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या अदर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, इसको जब हम समराइज करते हैं, समरी करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो इसको कंट्रैक्शन कहा जाता है। या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट करते हैं तो उसको भी कंट्रैक्शन कहा जाता है। तो जितने भी कंट्रैक्शन होते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट जितने होते हैं, वो सारा मैं इस पर लिख दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। और मेन मेन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि जो ये वुंट लिखा है ये वुड नॉट है कि शुड नॉट है कि विल नॉट है, ये विल नॉट है कि वुड नॉट है, इसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो वुड नॉट, इसको हम समझ नहीं पाते हैं कि जो उंट लिखा है वो विल नॉट है कि वुड नॉट है। आज हम डिटेल में इसको जान लेंगे कि वास्तव में क्या होता है। देखो, इज नॉट को इजंट बोला जाता है, कंट्रैक्शन। आर नॉट को आरंट बोला जाता है, वाज नॉट को वजंट बोला जाता है, वर नॉट को वरंट बोला जाता है, डू नॉट को डोंट बोला जाता है, डज नॉट को डजंट बोला जाता है, डिड नॉट को डिडंट बोला जाता है, हैव नॉट को हैवंट बोला जाता है, हैज नॉट को हैजंट बोला जाता है, हैड नॉट को हैडंट लिखा जाता है या बोला जाता है, विल नॉट को
उंट, ये वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है बच्चों में कि फिर विल नॉट जो लिखा रहता है वो उंट लिखा रहता है, तो बच्चे ये समझते हैं कि ये उड नॉट है। तो ऐसे ही हम देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे या दुविधा की स्थिति होंगे, असमंजस की स्थिति होंगे, सस्पिशन में रहेंगे, उनको हम आज लोग डिटेल में देखेंगे। सेल नॉट को सेंट बोला जाता है जो क्लियर है या लिखा जाता है, माइट नॉट को माइटंट लिखा जाता है, मस्ट नॉट को मसंट, ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है, ये मस्ट नॉट है लेकिन इसको जब शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शन किया जाता है तो केवल मसंट लिखा जाता है, केवल मसंट लिखा जाता है, टी नहीं लिखा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आर्ट नॉट को आर्टंट बोला जाता है, लिखा जाता है, नीड नॉट को नीडंट बोला लिखा जाता है, वुड नॉट को वुडंट लिखा और बोला जाता है, शुड नॉट को शुडंट लिखा और बोला जाता है, कैन नॉट को कैंट लिखा और बोला जाता है, कुड नॉट को कुडंट लिखा और बोला जाता है। हमको केवल ध्यान देना है विल नॉट जो उंट लिखा होता है। नेक्स्ट, ये हमने बताया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी होते हैं और प्लस नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज़ हमने बताया। जो ये जो एपोस्ट्राफी लगा है ये कंट्रैक्शन को बताता है कि यहाँ से जो अक्षर साइलेंट किए गए हैं, निकाले गए हैं, उसके कंट्रैक्शन को ये बताता है। ठीक है, कठिनता कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ आती है, जब सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का कंट्रैक्शन किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी हो सकता है, या सब्जेक्ट के रूप में अदर भी हो सकता है। कुछ एडवर्ब को लेकर के भी हेल्पिंग वर्ब लगा करके कंट्रैक्शन किया जाता है, उसको भी हम लोग आज देखेंगे। आई एम को आई एम, आई हैव को आई हैव, आई हैव ही बोलोगे, आई विल, आई सेल को आईल, आईल बोलोगे आप या लिखोगे आईल, आई वुड, आई शुड, आई हैड को आईड। अब ये वाला जो अगर कहीं किताब में लिखा रहे आप अर्थ निकालोगे तो फिर कैसे निकालोगे, इसको दिक्कत होगी, आप कैसे जान पाओगे आई के साथ वुड है कि आई के साथ शुड है कि आई के साथ हैड है, खास करके कब जब आई ड लगा हो, आई और एपोस्ट्रॉफी कामा और यस लगा हो, तो फिर आपको जानने में दिक्कत होगी। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या हो सकता है अगर आईड लिखा है किसी किताब में या कहीं पर लिखा और हम अर्थ निकालना चाह रहे हैं और अर्थ निकाल रहे हैं तो पता नहीं चल पा रहा कि इसको हम क्या बोलेंगे, तो कैसे जानेंगे कि आई के साथ हैड है कि आई के साथ शुड है। यू आर को योर, यू हैव को यू हैव, यू विल को विल, यू वुड और हैड को वुड। अब कैसे जानेंगे कि वुड लगा है इसमें कि हैड इंक्लूड है, इस चीज़ को भी देखेंगे। सी इज, सी हैज, दोनों को हम सीज पढ़ेंगे या लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सी इज है कि सी हैज है। इट हैज, इट इज को इट इज लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा हैज है कि इज है। इट विल को इट विल बोल लेंगे, वी आर को वी आर बोलेंगे, दे और वी हैव को हैव रहे या विल रहे तो वी हैव वी विल, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने नहीं लिखा है, जगह नहीं था, अभी हम लोग देख लेंगे। वी के साथ उड रहेगा, सूड रहेगा तो वी ड बोलेंगे, वीड और हैड, देखो वी ड डब्ल्यू ई और फिर एपोस्ट्रॉफी, और दे के साथ ऐसे रहेगा दे विल दिविड, है ना। तो ऐसे में हम जानेंगे कि वी के साथ जो वीड लगा हुआ है तो यहाँ पर उड रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा उड रहेगा, सूड रहेगा, हैड रहेगा। तो इसको आप चाहो तो नोट कर लो, अगर नहीं नोट करते हो तो एक आध बार देख लो ताकि याद हो जाए, ये बहुत से लोगों को याद भी है, बस थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। देखो मैंने दो तरह के कंट्रैक्शन को बताया है, एक कंट्रैक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का कंट्रैक्शन होता है, और दूसरा हमने बताया है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का कंट्रैक्शन होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का कंट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के कंट्रैक्शन को देखेंगे। जैसे आपने जाना है कि आई एम को आईम लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, लेकिन समस्या कब आती है कि जब कहीं पर लिखा हो, ऐसे लिखा हो आइल फेस
माई एग्ज़ाम, यानी कि मैं अपना एग्ज़ाम दूंगा, आई फेस माई एग्ज़ाम। तो ऐसे में हम ये जानेंगे कि इसके साथ क्या हो सकता है। तो देखो, जब काम निश्चित होता है, एकदम 100% निश्चित होता है कि वो काम करना ही करना है, उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, असंभव नहीं है वो करना, ना करना, वो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे में आई के साथ विल का प्रयोग होगा। तो चूंकि एग्ज़ाम की बात है तो मैं एग्ज़ाम अवश्य दूंगा, अवश्य इसलिए दूंगा कि अगर नहीं दूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम देना ही है, कंपलसरी है। तो जब कंपल्जन का सेंस आता है तो आई के साथ विल लगता है। तो यहाँ आप ये जान पाओगे कि आई के साथ विल है और उस हिसाब से आप अर्थ निकाल पाओगे। क्योंकि देखो, आपको एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है जिसमें कंप्रिहेंशन ना देता हो, यानी कि अनसीन पैसेज ना देता हो, और अनसीन पैसेज अगर आप नहीं समझ पाते हो तो 100% मुझे लगता कि कोई एग्ज़ाम निकलेगा उकलेगा नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी आप जानो, ठीक है। तो इस ये हो गया पहली समस्या। कौन कौन सी समस्याओं को हम जानेंगे इसको हम लिख दे रहे हैं। देखो, एक किनारे से हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऋतुज। ये ऋतुज अगर किसी सेंटेंस में आता है तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि ऋतुज अगर लिखा है तो ये ऋतु के साथ इज है कि ऋतु के साथ हैज है। यहाँ पर देखो, अगर मैंने लिख दिया ऋतुज डॉग इज ब्लैक, मैंने एक ये लिख दिया, और ये लिख दिया ऋतुज going to market with her brother, और एक हमने लिख दिया ऋतुज gone to her paternal grandfather's house, paternal grandfather's house। अब यहाँ देखो, ऋतुज यहाँ भी है। आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कहाँ पर इज है कहाँ पर हैज है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है हमको कि कैसे पता चलेगा कहाँ पर यस है और कहाँ पर इज है कहाँ पर हैज है। देखो, जब भी हैज आता है ना, हैज हैव हैड, ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये तीनों जब आते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये 100% श्योर है कि यहाँ पर जो है ऋतु हैज है। ये पर क्या है? ऋतु हैज है। और यहाँ पर देखो, इंग फॉर्म आया है, तो जब भी इंग फॉर्म आता है इज एम आर वाज वर, इनके साथ या तो नाउन एडजेक्टिव आएंगे या तो फिर वर्ब के इंग फॉर्म आएंगे। तो यहाँ पर इंग फॉर्म आया है, इसका मतलब यहाँ ऋतु इज है। दो चीज़ें आपने समझ लिया, अगर थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हैव या हैज है। वैसे ऋतु सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा, हैव का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यहाँ पर ऋतुज डॉग, देखो इज यहाँ पर आया है, ये पजेसिव फॉर्म यूज किया गया है, नाउन के साथ पजेसिव फॉर्म, इसका मतलब हो जाएगा ऋतु का। तो कंट्रैक्शन यहाँ भी है लेकिन ये पजेशन के लिए है, कंट्रैक्शन यहाँ भी है लेकिन गोइंग है, आई एन जी फॉर्म है इसलिए इज रहेगा। कंट्रैक्शन यहाँ भी है लेकिन यहाँ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है इसलिए ऋतु हैज लगेगा। दूसरा देखो, एम नॉट को एम नॉट नहीं बल्कि आरंट लिखना होता है। आरंट, एम नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है आरंट होता है, ठीक है। अब आई के साथ उड है कि सुड है कि हैड है, ये आप कैसे जानोगे कि इसके साथ उड है सुड है या हैड है। इसके लिए कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। आई के साथ उड लगा है कि आई के साथ सुड लगा है कि आई के साथ हैड लगा है, ऐसे समझते हैं। देखो, आईड ऐसे रहेगा, कंट्रक्शन किताब में रहेगा या कहीं लिखा रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ रहेगा गॉन टू आगरा, ठीक है, गॉन टू आगरा।
एक ऐसे भी हो सकता है आईड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड और आईड गो टू स्कूल डेली। अगर इस तरह से सेंटेंस में यूज किया गया है तो हमको बहुत आसानी होगी, जान पाएंगे कि आई के साथ उड है, कि आई के साथ सुड है, कि आई के साथ हैड है। अब यहाँ देखो, यहाँ आप देखोगे तो आईड गॉन, और गॉन का मतलब है कि मैंने अभी आपको बताया था कि हैव हैज हैड जब भी रहेंगे तो इनके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। क्लियर? अगर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो फिर ये क्लियर है कि यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आई हैड। क्या पढ़ेंगे? आई हैड पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि थर्ड फॉर्म लगा है। अब ये देखो, ये हैड यहाँ प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये हैड नहीं है। अब थोड़ा सा हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो या तो सेल हो सकता है, सुड हो सकता है, या तो वुड हो सकता है, क्योंकि दोनों के साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, सेल के साथ भी, सुड के साथ भी। लेकिन दोनों का यूज क्या है? सुड जो होता है वो मोरल ड्यूटी के लिए होता है, नैतिक कर्तव्य के लिए होता है, वो काम जो हमको करना चाहिए। और जो वुड का प्रयोग होता है वह पास्ट हैबिट एक्शन को एक्सप्लेन करता है। पास्ट हैबिट जो एक्शन होते हैं उसको वो एक्सप्रेस करता है, यानी कि जो पहले हमारी आदत रही हो। तो देखो, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, तो मेरे बचपन में मैं क्या करता था? क्रिकेट खेला करता था। तो इसका मतलब यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा, यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट को बता रहा ना कि मेरे बचपन में, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, मैं बचपन में बहुत रोया करता था, मैं बचपन में किताबों को पढ़ा करता था। तो ऐसे जो पास्ट हैबिट को बताता है उसमें वुड का प्रयोग होता है, और जो नैतिक कर्तव्यों को बताता है यानी कि मोरल ड्यूटी को या कॉमन ड्यूटी को बताता है उसमें सुड का प्रयोग किया जाता है। देखो, आई शुड गो टू स्कूल डेली, मुझे प्रतिदिन यानी कि रोजाना विद्यालय जाना चाहिए, तो यहाँ पर फिर क्या है? सुड है। तो हम ऐसे जानेंगे कि आईड है तो आईड के साथ, मतलब इसका मतलब क्या होगा? हैड होगा कि आई वुड होगा कि आई शुड होगा। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखो, सी इज है यानी कि सीज है या हीज है, तो कैसे पता चलेंगे? जैसे अगर यहाँ पर लिखा है हीज और यहाँ पर लिखा है गोइंग टू स्कूल, तो 100% है जब आई एन जी फॉर्म है तो ये क्या होगा? इज होगा, क्योंकि मैंने बताया है इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ कौन सा? इंग फॉर्म का प्रयोग होता है। और अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, जैसे मान के चलो यहाँ पर हीज ही है और यहाँ पर लिखा है गॉन टू स्कूल, तो ये 100% है कि यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। क्यों हैज का प्रयोग किया गया है? क्योंकि यहाँ का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है, देखो हैव हैज हैड रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर 100% हैज ही है। उसी तरह से अगर ही सी का हो गया, वी को देखें, जो वी लिखा गया है, वी वुड, वी शुड, वी हैड, अगर वी के साथ, अगर वुड के साथ ऐसे रहेगा, इसी तरह से जो आई है ना, यहाँ अगर मैं वी का प्रयोग कर दूँ वुड, तो जब थर्ड फॉर्म रहेगा तो समझ जाना कि हैड है। कहाँ पे है? यहाँ पर। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है वी के साथ, वीड के साथ, तो समझ जाना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हैड है। अगर पास्ट चाइल्डहुड, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, तो समझ जाना वुड है। और अगर नॉर्मल ड्यूटी की बात कर रही है तो समझ जाना सुड है। ये सब में यूज होता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देख लेते हैं
जो हो सकता है कि आप ना समझ पा रहे हों। कुछ कंस्ट्रक्शन तो ठीक होते हैं जो हमको समझ में आते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं तो जल्दी समझ में नहीं आते हैं कि वास्तव में क्या प्रयोग होगा। यहाँ पर देखो, आईड बेटर गो नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड। अच्छा होता कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने से पहले मैं घर चला गया होता, या आई वुड रैदर स्टे होम देन गो टू ए मूवी। अच्छा होता कि एक मूवी देखने के बजाय हम घर पर ही रुके होते। तो यहाँ देखो आईड इसका मतलब, यहाँ पर आईड क्या है और यहाँ पर आईड क्या है, तो यहाँ पर जो है ये हैड है और यहाँ पर वुड है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि जो रैदर का प्रयोग होता है वुड रैदर का प्रयोग होता है, हैड रैदर का प्रयोग नहीं होता है, और जो हैड है ये बेटर का प्रयोग होता है, हैड के साथ रैदर का प्रयोग नहीं होता है। अगर कहीं आपको मिलता है हैड रैदर तो समझ जाना कि वो गलत है या फिर वो अनमैच्ड है, ऐसे नहीं होता है। कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जैसे देयर के साथ भी कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है देयर्स, हियर के साथ भी कंस्ट्रक्शन कर जाता है हियर्स। जैसे आप दैट के साथ देखे होंगे, बहुत सामान्य सा है दैट्स, ऐसी बात है दैट के साथ कर दिया जाता है। हु के साथ कर दिया जाता है हुज, वेयर के साथ कर दिया जाता है वेयर्स। तो इसमें सामान्य सी बात है कि ये इज का ही प्रयोग होता है, है ना, या इज या हैज का भी प्रयोग हो जाएगा, और ये जो प्रयोग होगा उसको मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि आप समझ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब हम परीक्षा देने जाते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन किया रहता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेज बनना चाहते हैं, सॉरी, अगर परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।